गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 1 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल डॉक्टर्स डे। आज का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल डॉक्टर डे। हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई 2023 को। तो इन इंडिया नेशनल डॉक्टर्स डे वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 1 1991 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है एज ए ट्रिब्यूट टू डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। उनकी याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाते हैं। हो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द मेडिकल फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1948 से 1962 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थे। ही वॉज ए फ्रेंड एंड पर्सनल डॉक्टर ऑफ महात्मा गांधी का फ्रेंड और पर्सनल डॉक्टर भी थे एंड हैड ट्रीटेड हिम इन 1942 ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट की टाइम महात्मा गांधी का ट्रीटमेंट भी किया था उन्होंने 1942 में। तो दो नंबर न्यूज़ है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। तो और एक इंपॉर्टेंट डे है आज का नेशनल पोस्टल वर्कर डे। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो तीन नंबर न्यूज़ है न्यू अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। मतलब CBI का न्यू डायरेक्टर किसको बनाया गया है? उस सीनियर IPS ऑफिसर अजय भटनागर को ऑन नवंबर 20 से 24 तक प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है? ही सर्विंग एज ओडिशनल डायरेक्टर इन द एजेंसी वाइल अनुराग एंड मनोज सरदार हैव बीन प्रोमोटेड टू द पोजिशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर के पद में अभी अनुराग एंड मनोज शशिधर को बनाया गया है एडिशनल डायरेक्टर। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टेन्यूर ऑफ शरद अग्रवाल जॉइंट डायरेक्टर, उनका टेन्यूर और भी बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो CBI का फाउंडेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो चार नंबर न्यूज़ है ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड्स। तो ग्लोबल इंडिया आइकॉन का यूके इंडिया अवार्ड्स किसको दिया गया है? इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट, इंडिया का जो फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट है ओमेन बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम को एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स इन विंडसर साउथ ईस्टर्न में इंग्लैंड में। शी एक्सेप्टेड द अवार्ड फ्रॉम इंडियन हाई कमिश्नर टू द बीके विक्रम डोराई स्वामी एट ए गला सेरेमनी में। तो हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अभी देखेंगे सेकेंड पेज। पेज के पाँच नंबर न्यूज़ है नेशनल डॉक्टर्स डे 2023 का थीम। तो पहले डॉक्टर्स डे हम 1 जुलाई को मनाते हैं, उसका थीम मैंने नहीं लिखा था इसलिए अभी सेलिब्रेटिंग रिसिलियंस एंड हेलिंग हैंड्स। तो इस साल का डॉक्टर्स डे का थीम है सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय भारत रत्न अवार्ड कब उनको मिला था? 1961 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बार एग्जाम में आया है। तो छः नंबर न्यूज़ है व्हाट इज़ द करेंट रैंक ऑफ द इंडियन मेन्स फुटबॉल टीम एज पर द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। तो करेंटली इंडिया का फीफा वर्ल्ड कप में रैंकिंग क्या है? 100 रैंक। तो 1996 में 94 था, 1993 में 99 था और 2017 से 18 में 96 था। अभी टॉप में कौन है? अर्जेंटीना। और फुटबॉल की जो ये टीम है उसमें कितना प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं? 11 प्लेयर। तो सात नंबर न्यूज़ है हो वाज हॉनरेड विथ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बाय ब्रिटिश PM ऋषि सुनक। तो ब्रिटिश PM प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है जो है पॉइंट ऑफ लाइट में है, वो है राजेंद्र सिंह घाट। वो कौन है? वो है वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सिख सोल्डियर्स हो फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हमारा सेकेंड द्वितीय विश्वयुद्ध था, उस टाइम इस सोल्डियर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। उनका नाम है राजेंद्र सिंह घाट। उनका अभी एज है 101 ईयर, मतलब 101 बच्चों। तो आठ नंबर न्यूज़ है हो विल ऑर्गेनाइज द बिगेस्ट एरेक्टिक एक्सरसाइज तारंग शक्ति। तो ये बिगेस्ट बहुत बड़ा एरेक्टिक एक्सरसाइज है, उनको उसका नाम है तारंग शक्ति। वो कहाँ पर हो रहा है? इंडिया एयरफोर्स के द्वारा हो रहा है। वो इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज किए हैं 12 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो नौ नंबर न्यूज़ है हो हैज ओन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो कौन सा कंट्री उसमें चैंपियन हुआ है? वो है इंडिया। अभी उसका 9th एडिशन है साउथ कोरिया बुजान में, ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुआ है।
एशियन कबड्डी लीग हुआ है तो ये 8 टाइम ओन हुआ है, मतलब 8 टाइम जीता है कौन, इंडिया। तो फर्स्ट वोमेन कबड्डी लीग कहाँ पर हुआ है, दुबई में, ओन कौन है, उमंग, कोलकाता ने जीता है, डिफीट किसको किया है, पंजाब पैंथर्स ने। तो हमारा सेकेंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोग भी पेपर और पेन लेके बैठिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी वीडियो मतलब लिखिए, करंट अफेयर्स के नोट बनाइए, ये नोट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो अभी देखेंगे थर्ड पेज के 10 नंबर न्यूज़। तो थर्ड पेज के 10 नंबर न्यूज़ है, हु इज़ द ओनली इंडियन इन कार्नेजिक कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट फॉर द ईयर 2023। मतलब न्यूयॉर्क के जो एक लिस्ट हुआ है ग्रेट इमिग्रेंट, इसमें एक ही इंडियंस का नाम आया है, वो है अजय बंगा। वो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी हुए हैं 3 ईयर्स के लिए, अजय बंगा। तो यूट्यूब के न्यू CEO कौन बने हैं, नील मोहन। तो 12 नंबर न्यूज़ है, हो हैज लॉन्च्ड ए मिक्स्ड रियलिटी फाउंड फॉर इंडियन स्टार्टअप। तो एक लॉन्च किया है मिक्स्ड रियलिटी फाउंड इंडियन स्टार्टअप करके, उसको किसने लॉन्च किया है, मीटा, फेसबुक ना, अभी तो फेसबुक मीटा है। तो ये 5 इंडियन स्टार्टअप है, इसमें कॉस्ट पड़ेगा $2.5 लाख। तो 13 नंबर न्यूज़ है, इन हुई यूनाइटेड टेरिटोरी हैज़ द CJI लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये चीफ जस्टिस के द्वारा न्यू फाउंडेशन स्टोन दिया गया है, कौन से यूनाइटेड टेरिटोरी में, वो है जम्मू एंड कश्मीर रायचा में। तो चीफ जस्टिस DY चंद्र चोड़ के द्वारा, वो 5th नंबर का है। तो इंडिया में है जो यूनाइटेड टेरिटोरी है हाई कोर्ट का, ये है दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। तो इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं, 25, और हाई कोर्ट के फर्स्ट फीमेल जज है अन्ना चंदनी, और सुप्रीम कोर्ट रेट जूरी हैं कितने है? आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के 226 आर्टिकल में। तो हाई चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, नहीं सॉरी, तो हाई कोर्ट फर्स्ट फीमेल तो पढ़ा है, और चीफ जस्टिस है लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से, और सुप्रीम कोर्ट के फीमेल जज है फातिमा बीबी। तो 14 नंबर न्यूज़ है, हुई स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लॉन्च किया है, एक स्कीम, उसका नाम है PM प्रोडम स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म है प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक सारों का इस्तेमाल ना करके, ऑर्गेनिक जो सार है उसके इस्तेमाल करके फसलों को मतलब अच्छे से मतलब बढ़ जाना। अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि फसलों के ऊपर सब रासायनिक सार ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया से मतलब फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अभी प्रोनाम के द्वारा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने के लिए स्कीम चालू किया है। तो 15 नंबर न्यूज़ है, हुएन वॉज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया गया है, 28 जून को। तो हमारा थर्ड पेज भी हुआ कंप्लीट। थैंक यू गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट पे अवश्य बताना। थैंक यू गाइस।